शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से मैं भी इसे कई बार समझा चुका हूँ चाची कि अपने घर पे ध्यान दे, पर नहीं, इसे तो दूसरों के मामलों में टांग अड़ानी है। ऐसा कुछ नहीं है वरुण जी। तो कैसी बात है श्रद्धा, हम बताते हैं असली बात क्या है। ये तो मेरी गाड़ी थी, इस घर के अंदर घुसने के लिए तुमने कीर्ति और उसके आने वाले बच्चे की जान तक जोखिम में डालने की कोशिश की। रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से मैं तंग आ गया। जब मैं पूरी तरह से बिखर रहा था तो मेरी जिंदगी में मेरी दोस्त वापस आई और मैं नहीं जानता कि कब और कैसे लगी मुझे उससे प्यार हो गया। कैसे होली खेलोगी? खुशी खुशी नहीं मुंह लटका के। मेरे मुंह का छोड़िए अभय, और घर में सब कितना उदास है उसके बारे में सोचिए। मैंने ताई जी से वादा कर दिया है कि कीर्ति को होली खेलने के लिए मैं मनाऊंगी, लेकिन ये करूंगी कैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो इतने तेज दिमाग वाला पति मिला है तुम्हें। एक कमाल का आइडिया है मेरे पास, तुम देखना कल उसके मुंह पर लाल रंग थोप दूंगा। आधी लाल रंग की वजह से लाल हो जाएगी और आधी गुस्से में, फिर देखना बदला लेने के लिए भागेगी मेरे पीछे। वाह वाह भाई, क्या तरकीब सोची है तुमने। ये कहां पे है इस घर में जो मेरे तेज दिमाग को समझती है। और उतनी ही तेजी से ये कीर्ति रानी जो इस घर का दहन करेगी वो तुमने नहीं सोचा। अरे अभी जो कांड हुआ वो कम है जो ये सब करके तुम्हें और पेट्रोल छिड़कना है। बुआ जी सही कह रही हैं, अभी कीर्ति को इतना गहरा सदमा लगा है और जो उसके मन पे चोट आई है वो तो और भी ज्यादा गहरा है। अब ऐसे में हमें बहुत सोच समझ के उसे होली खेलने के लिए मनाना होगा। अब होली के नाम पे ना मुझे सिर्फ मस्ती समझ में आती है। आपको कुछ सूझ रहे तो आप बताइए। हमारे पास ना तुमसे भी बेहतर विचार है। बताइए। जैसे कि देखो, हम ये कर सकते हैं कि जैसे कीर्ति पर हमला हुआ हो उसके हाथ पैर बांध देंगे, उसके आंखों पर पट्टी बांध देंगे, मुंह पर पट्टी बांध देंगे, और फिर क्या है, पट्टी कहाँ खुलेगी, सीधा बाहर बाल्टी में। और फिर क्या है, होली है, होली का रंग है, खुल जाएगी उसमें और बोल देंगे बुरा ना मानो होली है। अरे वाह बुआ जी वाह, आप तो मुझसे भी दो कदम आगे ही निकले। ज्यादा ना ताने ना मारो हमें, कुछ अच्छा आइडिया बताओ ना। तुम सोचो ना। सोच रहा हूँ। सोच लिया। पता है बचपन से ही ना होली वाले दिन कीर्ति को सबसे पहले रंग मैं ही लगाते आई हूँ, उसके बाद वो मुझे उस दिन छोड़ती ही नहीं थी। तो इस साल भी हम कुछ ऐसा ही करते हैं ना उसे मनाने के लिए। बुआ जी चलिए ना, कल क्या करना है, तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए ना बुआ जी, चलिए चलिए ना। तुम देखना श्रद्धा, कल हमारी पहली होली है, सबसे पहले तुम्हें रंग तो मैं ही लगाऊंगा। क्या हुआ अभय, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? हुआ नहीं है। अभी होगा। देखिए भाई, घर के अंदर होली नहीं, आपको होली खेलनी है घर के बाहर जाकर खेलिए। बाहर भी खेल लूंगा, पहले ये तो तुम पे डाल लूं। नहीं अबे, इसे दूर रखिए। अबे होली घर के बाहर, दूर रखिए। अबे नहीं अबे, अबे होली घर के बाहर। आपको सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ, क्या कर रहे हो अबे? नहीं 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 नहीं। हाँ
अच्छा तो मतलब आप मेरे साथ मजाक कर रहे थे? हाँ तो वैसे भी होली का त्योहार है, मजाक तो होते रहना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। और ऐसे मजाक का किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए, ऐसा आप कह रहे हैं? तो ठीक है फिर, बुरा मत मानिए अभय। होली है। बस भाभी, ऐसे श्रद्धा कीर्ति का भी मूड ठीक कर दे। बंद कर दिया, इतनी गर्मी हो रही है, बिजली चली गई क्या? गंदे कर दिए, छोड़ेंगे नहीं हम। माँ, दीदू, सुबह सुबह किसने ये बेहुदा मजाक किया हमारे साथ? ये सब करके आप लोगों को क्या लगता है कि हम होली खेलने के लिए मान जाएंगे? बिल्कुल नहीं। बस का कीर्ति और कितना रंग लगाएगी आज, हमको कोई नहीं रोक सकता दीदू, क्योंकि आज होली है। बचपन से हमें होली खेलना बहुत पसंद था, पर कल जो हुआ उसके बाद आप सबको क्या लगता है? हमारी बचपन की यादें ताजा करवाकर होली खेलने के लिए मना लेंगे हमें? फिर से अब हम होली नहीं खेल पाएंगे। कीर्ति बेटा, अपने कल के लिए आप अपना आज क्यों खराब कर रही हैं? कीर्ति, हम सब एक परिवार हैं। जब एक दूसरे का दुख में साथ देते हैं तो एक दूसरे की खुशियों में भी साथ रहना चाहते हैं। और कल आपका बच्चा ही चाहता था ना कि हम सबके साथ वो होली खेले, उसके लिए ही सही। चलिए ना। माँ, हम पे जो बीत रही है ना, वो सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। और कल जो भी हुआ उसको भूलकर हम होली नहीं खेल पाएंगे। कीर्ति बेटा, अगर आज आप हमारे साथ होली में नहीं होंगी तो किसी का भी मन नहीं लगेगा बेटा। भाई साहब, अगर ऐसा है तो हम भी होली नहीं खेलेंगे। हाँ बेटा, नहीं खेलेंगे। आप सबको जो करना है वो करिए, हमें नहीं खेलना होली। कीर्ति चल, दीदी छोड़ो, कहाँ लेके जा रही हैं आप, छोड़िए हमें। हमें तो लग रहा है आज ये श्रद्धा ना कीर्ति के गुस्से का शिकार होने वाली है। चलिए सब लोग।
कुछ भी कर लीजिए, हम नहीं खेलेंगे होली। कीर्ति, देखना हम सबने तेरे लिए ये सजावट की है। इस घर में ये हमारी पहली होली है। हमें नहीं खेलनी होली। देखते हैं आज ज्यादा रंग कौन किसको लगाता है। कीर्ति, तू ठीक है? तू ठीक है कीर्ति? क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। हैप्पी होली। हैप्पी होली दीदी। देखा कीर्ति, मना लिया ना आखिर तुझे होली के लिए। ये उस शरारती के लिए जो कल से तूफान मचाए हुए होली खेलने के लिए। हैप्पी होली। बुआ दादी। खुश हो बेटा, जीते रहो। बड़ा अच्छा लगा है पर। यशवी जी, थोड़े से रंग से कुछ नहीं होगा, थोड़ा हम और लगा देते हैं। हैप्पी होली। आप सब आए, हमें बहुत अच्छा लगा। हैप्पी होली मम्मी। वहीं रुक जाओ। कल ही कहा था तुमसे कि हमसे दूर रहना। सबसे बड़ी गलती थी। अब तुम मेरी जिंदगी से, मेरे घर से हमेशा के लिए निकल चुके। चले जाओ अपनी।
आज मेरी नफरत का रंग तुम पे चढ़ेगा श्रद्धा। कीर्ति, मुझे माफ कर दो। मेरे साथ होली नहीं खेलोगे? नहीं, घर वालों के लिए हमने होली खेल ली। ये समझने की गलती मत करिए कि हमने आपको माफ कर दिया। तुम्हारी माफी पाने के लिए तुम जो भी सजा मुझे दोगी मुझे मंजूर होगी। बस एक बार मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो। वाह भाभी, मजा आ गया। मतलब श्रद्धा और अभय कितना अच्छा नाचे थे। हमें नहीं पता था आपकी बहू इतना अच्छा भी नाच लेती है। वैसे सच कहें तो होली का असली स्वाद तो श्रद्धा लाई है हमारे जीवन में। उसी की वजह से ये लोग सब अच्छे से होली मना रहे, वरना ना सारी तैयारी बर्बाद हो जाती हम सबकी। अरे ऋतु, ऐसे कैसे बर्बाद होती? अरे हम तो फिर भी मनाते। हाँ बढ़िया है, हम तो फिर भी मनाते। आपकी जो बहू रानी है ना, वो कीर्ति के दुख में खुद तो दुखी होती और सबको दुखी करती, किसी को मनाने ना देती। विजय जी, आप आ गए? जी बिल्कुल आ गया। और आप बुलाए और हम ना आए, ऐसा कभी हो सकता? वैसे ऋतु जी, होली
मुबारक हो। आपको भी होली मुबारक हो। थैंक यू। वैसे विजय जी, आपको भी होली मुबारक हो। जी, आपको भी। हम ऋतु की भाभी हैं। अच्छा। वैसे ताने मारने ऋतु ने हमसे ही सीखे हैं। ओ अच्छा, ये बात तो ऋतु ने हमें कभी बताई नहीं। विजय जी, आप अकेले? हमारा मतलब था आपकी पत्नी आपके साथ नहीं आई? जी नहीं, सच कहूं तो मेरी शादी नहीं हुई अभी। भाभी, आपको भूलने की बीमारी है क्या? बताया तो था आपको सब कुछ। विजय जी, हम आपसे एक बात पूछे, आपने लड़की ढूंढी नहीं या मिली नहीं? जी ढूंढी नहीं, जवानी में मैंने कोशिश नहीं की और अब ढूंढ के भी नहीं मिल रही। और वैसे भी अपने जैसी कोई मस्त बौला मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे विजय जी, आप एक काम करिए, आप ना भुजिया खाइए। हाँ बिल्कुल, हम अभी आते हैं। हाँ ऋतु, चलिए तो जरा आइए 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 आइए। अरे आइए, जल्दी आइए। आइए बचकर भाई। अरे अभी तेरी बहन को भी रंग नहीं लगाया यार। पहले है कहाँ तेरी बहन, पहले ये बता मेरे को। बबलू, वरुण सिर्फ मेरे। ये क्या पागलपन है अभी? गन नीचे कर, नीचे कर। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।